नहीं आऊंगा जो दिल भर से कह रहा हूँ। कैसे लगोगे मेरा ऑप्शन? ऑब्वियसली तुम लोग क्या सोचो, तुम लोग नहीं आसोगे तो मेरा घर नहीं चलेगा क्या? मेरी बेरोजगारी आपके हंसी पे थोड़ी डिपेंडेंट है यार। आई वुड फ्रॉम हैदराबाद वी आर फ्लाइट कॉर्पोरेट प्रिविलेज इशू मोस्ट ऑफ दिस आर्टिस्ट डोंट नो दिस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक मदरफकर्स। पीछे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? नहीं ना? हाँ, हवा में ज्ञान छोड़ूंगा ये वीडियो में, ठीक है? सुनना बस आराम से। सेल्फ डाउट्स इन क्रिएटिव फील्ड्स ए वेरी कॉमन फिनोमेनन। कभी कभी लगता है कि क्या कर रहा हूँ ये कैमरा के सामने, क्या कर रहा हूँ। हाँ, मुझे भी लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये विग, अरे ये मुस्टैच, क्या पार्टी में क्लाउन बनना है, सर्कस में जोकर बनना है? नहीं तो हाँ, क्लब में पोल डांसर बनना है। Maybe. Still a better career option than being a fucking corporate slave. Passion keeps me going, guys. पर एक चीज सच है, तुम लोग हंसते ही मेरा खड़ा हो जाता। The enamel on your teeth enables me to continue. Mic देखते ही doesn't matter which size, छोटा बड़ा small large कुछ भी चलता है, उसको गोद में ले लेने का मन करता है। इसीलिए ये माइक इधर है, वो बड़ा वाला माइक होता तो मेरे गांड में होता। But people keep dragging you down. No one ever, my uncle. Honestly बोल रहा हूँ, कुछ बनना बनना है तो पढ़ाई कर लो। ये सब चीजें कुछ नहीं बनना होता है ना, वही लोग करते हैं। अरे ये अंकल्स ना अपने बेटे को तो आराम जिंदगी जीने देते हैं, पर किसी और के बेटा दिख गया तो जीना हराम कर देते हैं। Do not give a fuck about them. Let her work, do the talking. Do you get paid through open mics? Open mic बोलते ही दोस्त लोग ये पूछने लग जाते हैं, हाँ भाई कितने पैसे कमा रहा है? शर्म नहीं? अरे ऐसे टाइप ऑफ लोग ना एक बच्चे दिखते ही उसका ग्रेड्स पूछने लग जाते हैं, अरे एक लड़की दिखते ही उसका उम्र पूछ लेते हैं। सीरियस क्राइम। जॉब बोलते ही सैलरी पूछने लग जाता है, अरे यूट्यूब बोले तो सब्सक्राइबर्स पूछ लेते हैं। तेरे पापा से ज्यादा सब्सक्राइब। अरे कल तो टू मच ही हो गया, अरे मेरे घर आ गए थे और मेरे मेड को पूछने लग गए, हाँ आंटी कितने कमाते हो? मैं चुप। अरे ऐसे टाइप लोगों से ना भाई दूर रहना, क्योंकि दे डोंट वांट टू अर्न मनी, हंसते एंड जो लोग कमा रहे हैं ना उनको डिमोटिवेट कर देते हैं। अरे क्या आंटी, बस इतने ही कमाते हो क्या? अरे कुछ टैक्सी वैक्सी चला लो, इससे ज्यादा पैसे मिलते। चुप हो सारी के। तू भरेगा क्या उनके बाप के मेडिकल बिल्स? Let them do their thing, man. Anyways, coming back to the point, open mic is only for the passionate dudes. तुमको पैसे दे के परफॉर्म करना होता है। अरे इसमें शर्मिंदा की बात कोई कुछ नहीं है। अबे मोदी जी भी हम लोग मित्रों बोलते हैं फेमस थोड़ी हुआ है। पहले असेंबली में ओपन माइक करता था, लोग हंसते थे, पर अभी अभी तो जस्ट बाई वोकल से इज वूइंग द इटली प्राइम मिनिस्टर मेलानी मोदी। Reacting to my recent open mics? At this point, at this very moment, before I take the stairs to the stage, my heart starts beating faster than a bullet train. My mind pretty much goes blank, just like during sex. I asked the auto driver, "Jagat leader, jaega?" He's like, "Main to bahut baar ja chuka, tu chalega." But this is better than sex. हाँ हाँ, बचपन से आदत है चिट्ठी रखने का। बिफोर आई कंप्लीटली गेट नॉक्ड आउट, देखो 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 मेरे पीछे पॉकेट से चिट्ठी निकाल रहा हूँ, सबको चुटकुले सुनाने। बैंगलोर ट्रैफिक, सॉरी वो जोक डिले हो गया, ट्रैफिक में फंस गया था। बैंगलोर ट्रैफिक रियली हमबल चिप। तुम चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, BMW में रहो या फिर ऑडी में रहो, ज़िप्टो वाला एकदम यूरोप पे तेरे को कट मार के निकल। सेव वाटर यार प्लीज। तुम लोग सुबह उठ के दांत धोने के लिए 2 किलो पानी वेस्ट नहीं करोगे ना तो किसी मासूम बच्चे की गांठ साफ हो सकती है। दैट्स बीन माय टाइम गाइस, थैंक यू। द मोस्ट इयर्स आई गॉट वाज व्हेन आई फिनिश्ड द शो। तो इतने सारे बुड्ढे लोग आए थे,
किसी को जोक समझ में नहीं आ रहा था फ्रैंकली। इसीलिए नहीं हंसे होंगे या फिर उनको वो जोक ही नहीं लगा होगा पता नहीं, पर फिर भी इस बंदे को देखो कैसे शो खत्म होते बाग के आ रहा है। चूतिए बचपन में कोई आउट होते ही बैट के लिए भागते थे ना, अब लोग ना माइक के लिए भाग रहा है। टाइम्स हैव चेंज्ड गाइस। हाँ भाई आजकल कंटेंट क्रिएटर सबको बनना है। अरे रिंग लाइट दिए तो रिंग रोड पे भी कंटेंट बना लेंगे। नेक्स्ट वच्चेसि तेलुगु ओपन माइक अन्नमाट। हाँ एंट्रा इलांटि कूडा चेस्तुन्नारा अंटे चेस्तुन्नारु कानी एवरु चूस्तलेरु। అవును మీరే అని పప్ప హలో 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 రోహన్ నేను బెంగళూరు వెళ్ళి 2 మంత్స్ అవుతుంది మొన్ననే తిరిగి వచ్చాను అనమాట ఇంటికి అక్కడ పీకిందేం లేదు కానీ ఇంటికి రాగానే పొంగిపోయి అంత ప్రేమ మమ్మీ ఏమో చికెన్ కావాలా మటన్ కావాలంటే లేదు మమ్మీ మంచినీళ్ళు కావాలని సిచ్యువేషన్ వచ్చినట్టు సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ లో ఉన్నారంతా మా ఫ్రెండ్స్ అనమాట మీరు నవ్వకుండా కనపడదు అంత వందచ్చు సో ఒక చియర్స్ టు దెం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చియర్స్ అంటే నవ్వడం ఎంత బ్యాంక్ బాటిల్ తీస్తున్నాను ఆ చియర్స్ తర్వాత మమ్మల్ని మంచుమల్ బాయ్స్ కాదు మందు మల్లమ్మ బాయ్స్ అందరూ అక్కడికి సో నేను పడకముందే దొబ్బేసి రకం తర్వాత కాపాడుతారా అంటే అది కాదు అంటే గుండె పేలినట్టుందే। If open mic was a cricket game, I would be the RCB of it. Stage पे कदम रखते ही choking is mandatory. ये compilation देख के enjoy कीजिए। ये choose ही कट कौन दे? I'm a typical South Indian middle class family, and in these families, asterisk 1 hour later. Yeah, so I'm from a typical South Indian family, and in these families, ne pothanu, na kido tu, pothanu ya ne pothanu. एक मिनट की शो में 1.5 मिनट हगा था एंड कोई रोक भी नहीं रहा था। दे आर लाइक हो हगरा एंजॉय करते हगो हम अच्छे से हगो बेटे। हाउ टू हैंडल सक अप्स ऑन स्टेज। तो हाउ डू आई डील विद इट। देखो भाई मैं ये सोचता हूँ स्टेज पे जाते ही कि ये बोसदी वालों को मैं जिंदगी में कभी नहीं देखने वाला हूँ जो भी ऑडियंस पर, मैं यही सोचता हूँ। एंड ऐसे सोचने से क्या होता है ना, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी कम हो जाता है। यू नो लॉन्गर बींग द फियर ऑफ नॉट बींग एबल टू परफॉर्म योर बेस्ट। So what I'm suggesting people is, the thing they do on stage is, to lose the performance anxiety, they should do the same thing in the bed. Yes, you should feel like, अरे इसको तो मैं कभी नहीं देखने वाला हूँ, छोड़ के रख दूँगा।